नमस्कार, कक्कू की किचन में आपका स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बारिश ने भी पूरा साथ दिया है। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। आज मैं अपने पियर आमिर आई हूँ। अभी मैं आमिर फोर्ट पे खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई जाए, तो आज हम जगरे के दाल बाटी बनाएंगे। तो अपनी भाभी से आपको मिलाती हूँ। तो ये है भाभी जी मंजू पारिक। नमस्कार। तो आज आपको ये बाटी की रेसिपी बताएंगी। ये मैंने 2 किलो आटा लिया है, मोटा आटा जिसको कहते हैं ना, चक्की पे मोटा आटा होता है, जिसमें बारीक और मोटा मिला हुआ आटा आता है, उसको मोटा आटा बोलते हैं। इसमें आप कितना नमक लेंगे? 2 चम्मच नमक डालूंगी मैं इसमें, 1 और 2 अंदाज से। जो कम लोग ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं। हाँ, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा नमक कर सकते हैं। उसके बाद में मैं ये इसमें 2 किलो आटा में कम से कम आधी से 1/4 चम्मच मीठा सोडा डालूंगी। मीठा सोडे से क्या है, बाटियाँ अच्छी फूली फूली अच्छी सॉफ्ट बनती है। आप अगर मीठा सोडा नहीं लेना चाहे तो उसकी जगह आप 1 कटोरी दही भी इसमें काम में ले सकते हैं, पर हमने मीठा सोडा ही काम में लिया है। अब इसमें हम लोग इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटे को डो बनाएंगे इसका। और आटा ये लूज बनाना है या थोड़ा हार्ड, जैसे रोटी का बनाते हैं इससे थोड़ा सा हार्ड आटा लगाना पड़ता है इसके अंदर, जिससे कि बाटी जो है अच्छे से फूल जाए और अच्छी सिक जाए अंदर तक। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम इस पे दाल बना लेंगे। इसके लिए कंडों से मैंने जगरा लगा लिया है और इसमें दाल चढ़ा दी है। दाल में मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल, 1 कटोरी छिलके वाली दाल, आधी कटोरी चने की दाल और आधी कटोरी उड़द की दाल ली है। हम मिक्स दाल बनाएंगे और 1 चम्मच इसमें हल्दी डाली है और 2 चम्मच नमक। ये करीब 13-14 लोगों के लिए दाल काफ़ी है। जगरे की दाल लगती भी काफ़ी टेस्टी है। ये ऊपर का जो झाग आ रहे हैं इनको हम निकाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये दाल इसमें काफ़ी अच्छी टेस्टी बनेगी। अब हम इसको उबलने देते हैं, फिर हम बाटी बना लेंगे। भाभी से आपको मिला ही दिया था, ये मेरी सिस्टर है मंजुला जी। तो आज अब दाल हमारी पक चुकी है। अब इसी जगरे में हम ये आटा जो गूंदा था हमने, अब इसकी ऐसे गोल गोल ये बॉल की तरह बना के आटे का, और ये बाटी इसमें हम डालते जाएंगे और काफ़ी अच्छी बाटी बनेगी। जो आप तंदूर ओवन उसमें बनाते हैं उससे बहुत ही टेस्टी बनेगी ये बाटी, आप खाते ही रह जाएंगे। आधी बाटियाँ ये हमारी सिकरी है तो इनको इधर साइड में कर दिया है, जिससे इधर अच्छे से सिक जाएगी। और जो आधी सिक चुकी है ये वाली हमारी बाटी, इनको हम इधर ये राख को थोड़ा ऐसे दबा देंगे जिससे आंच कम हो जाएगी, और इसमें हम इनको रख देंगे। और इसमें इसको इस राख से इसको बूर देंगे जिससे इनकी अंदर तक अच्छे से सिकाई हो जाएगी कम कम आंच में। जो ये ज्यादा होगी उसको हम आंच को हटा देंगे। इस तरह से हम इन बाटियों को इसमें बूर देंगे। इस तरह से मैं ये सारी बाटियां बना लूंगी, फिर इनको बाहर निकाल के एक परात में अच्छे से थोड़ा झाड़ लेंगे एक कपड़े से अच्छे से, जिससे इनकी ये सारी राख हट जाए। पहुँच के फिर अंदर तक काफ़ी अच्छा घी लगाएंगे। ये दाल हमारी पक गई है, जगरे में जो चढ़ाई थी दाल तो ये वहीं पक गई है पूरी। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। छौंक के लिए मैंने 3 चमचे घी के लिए है, और घी हमें देशी ही लेना है। अब इसमें 2 चम्मच जीरा डाला है और 1 चुटकी हींग। ये 4 हरी मिर्च मैंने छोटी छोटी काट ली है, और थोड़ा 1 टुकड़ा अदरक का वो बारीक बारीक काट लिया। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लूंगी। ये टमाटर को मैंने काट लिया है
अब ये डाल देंगे इसमें। अब इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया और नमक हमने पहले भी ऐड कर दिया था, तो ये 1/2 चम्मच नमक डाला है। 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से पकने देंगे। देखिए अब ये पकने लगा है, ऊपर घी आने लगा है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। और ये हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काट लिया था और इसको वॉश कर लिया है। हरे धनिये से दाल का टेस्ट अलग ही हो जाता है, तो इसे आप जरूर से डालें। अब हम इसे दाल में मिक्स कर देंगे। वाह क्या अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं दाल का कलर एकदम चेंज हो गया है। दाल हमारी तैयार है, अब हम बाटियों के घी लगाएंगे। तो ये सिक गई है बाटियां और आपने ये उस जगरे में से बाहर निकाल ली, तो अब क्या इसको आप कपड़े से साफ करेंगे? हाँ, अब सबसे पहले इनको कपड़ों से इस तरह से साफ कर लेंगे और यूं इस तरह से झाड़ लेंगे ताकि मिट्टी जो है ना इसमें जो बानी है वो नहीं रह जाए, सारी इस तरह से निकल जाए। अब हाँ पूरी बानी निकल जाए इस तरह से मिट्टी। और ये इस तरह से हम पोंछ लेते हैं इनको बाटियों को और फिर इसको यूं फोड़ के और इसके अंदर घी में अंदर तक घी अंदर तक जाना चाहिए ऐसे करके इसमें घी जो है वो डाल देते हैं। और ये इस तरह से घी में ये एकदम तैयार है बाटी, ये इस तरह से हम लोग इसको घी के अंदर जो है वो कर देते हैं। तो बाटी तो घी से ही अच्छी सॉफ्ट बनती है और अच्छा टेस्टी घी का जब आता है, बाटी का जब आता है जबकि घी अच्छी तरह से उसमें अंदर तक गया हुआ, इस तरह से ये सॉफ्ट बाटी बनेगी। ये देखिए अभी इस तरह से हम सारी बाटियां चोपड़ लेंगे एक एक करके। और ये और दाल हमारी तैयार हो ही गई है। तो इस तरह से ये दाल बाटी जो एक राजस्थानी का बहुत अच्छा भोजन है, राजस्थानी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है इस भोजन को। तैयार है हमारे दाल बाटी और आज हमारे फैमिली मेंबर्स रूपल और प्रियंका भी आई हुई है, इन्हें ट्रेडिशनल डिश बहुत ही पसंद है, तो आज यही टेस्ट करके बताएंगी। रूपल टेस्ट करना कैसी बनी। प्रियंका तुम भी करो। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। पूरा राजस्थानी ऑथेंटिक जो टेस्ट है वो भी एकदम बहुत अच्छा आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यमी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसे लगे आपको दाल बाटी। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय। प्लीज़ क्लिक द बेल बटन, लाइक एंड सब्सक्राइब।